अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सैलाब से 359 बच्चों समेत 1061 अफराद लुकमा अजल बन गए। 33,46,000 अफराद मुतासर, लाखों मवेशी हलाक। मुल्की मईशत को अब तक 10 अरब डॉलर्स का नुकसान। सलाम मुतासरीन का आखिरी घर बनने तक चैन से नहीं बैठूंगा, वजीर आजम का मुतासरीन से वादा। शहबाज शरीफ कहते हैं 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, ये सियासत का मौका नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। सलाम ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है, लोगों की बहाली में बहुत साल लग जाएंगे। सिपा सलार कहते हैं पूरी कौम की मदद चाहिए, महदूद वसाइल हैं, मुखैर हजरात आगे आइए और सैलाब ज़दा मुतासरीन की मदद करें। इस्लामी बरादर ममालिक की सैलाब जदगान के लिए इमदाद का सिलसिला मजीद तेज़ हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और तुर्किया से मजीद 3 तैयारे सैलाब जदगान की इमदाद के लिए अशिया लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। मौजूदा सैलाबी रेले की वजह से जोही को शदीद खतरा है, मंछर में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। वजीर आला सिंध कहते हैं उम्मीद है अगले 8 दिनों में मंछर में पानी की सतह कम होगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an Ecofresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Headlines aapne mulahiza ki aur ab khabrein tafseel ke saath. मुल्क भर में सैलाब की जद में लाखों घर और इमलाक मुकम्मल मलियामेट हो गए, जबकि लाखों एकड़ पर खड़ी अराजी मुकम्मल तबाह हो गई। कलाम में मकान सैलाब के बाय सफाए हस्ती से मिट गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 1061 हो गई, जबकि मुतासरीन की मजमुई तादाद 33,46,000 से तजावुज़ कर गई। NDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे हुए 4,98,442 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 1,575 अफराद जख्मी हैं। सैलाबी रेलों की जद में आने से 24 घंटे के दौरान मजीद 7,586 जानवर हलाक हुए, जिसके बाद लुकमा अजल बनने वाले मवेशियों की मजमुई तादाद 7,27,144 हो गई, जबकि एक रोज़ में मजीद 43,013 मकान तबाह हुए, जिसके बाद तबाह शुदा मकानों की तादाद 9,92,800 से तजावुज़ कर गई और मुतासरीन की तादाद ने 33,46,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। मुल्क के चारों सूबों की आवाम इन दिनों शदीद बारिशों और सैलाब से नबर उदाजमा है, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए मुतालिका इदारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ख्याल रहे कि नुकसान का तखमीना इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक लगाया गया है, जिसमें इजाफा भी हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत देते हुए कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए और फौरी रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी कैंप में मेडिकल कैंप का दौरा किया। उन्होंने चारसदा, नौशहरा, सवार, दीर और मर्दान पुल के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल और रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को मर्दान पुल पर दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज नौशहरा में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए इमदादी कैंप का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चारसदा, नौशहरा, सवाद, दीर में बारिश और सैलाब से नुकसान हुए हैं। विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस साल हुई। बारिशों के 22 लाखों घर और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 3,30,00,000 अफराद बारिश और सैलाब से मुतासर हुए हैं। उन्होंने मुतासरीन की इमदाद के लिए किए जाने वाले फैसलों के हवाले से कहा कि 28 अरब रुपए की रकम से 25,000 रुपए फी घराना मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे।
जबकि सैलाब और बारिश से जबहक अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सियासत का मौका नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अजम जाहिर किया कि सैलाब मुतासरीन का आखिरी घर बनने तक चैन से नहीं बैठूंगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि फिल फौर 28 अरब रुपए की रकम से 25,000 रुपए फी घराना जो सैलाब से मुतासर हुआ है उसको तकसीम की जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये पैसा हम हवाले कर रहे हैं मुतासर खानदानों को। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को मुतासरीन की दादरसी और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की मदद एक मुकद्दस फरीजा है, अपनी सलाहियतों के मुताबिक कौम की खिदमत करने पर फख्र है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खैरपुर और कंबर शहदाद कोट में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सिपा सालार ने खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों में काम करने वाले जवानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन ने मदद करने, मसाइल सुनने और हल के लिए इकदामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मैं चंद दिन से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूं। कल मैं बलूचिस्तान के इलाकों उथल और बेला के में था और आज से इनके इलाके खैरपुर में आया हूँ। यहाँ बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, पाक फिजाइया, पाक बहरिया और फलाही इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है। लोगों की बहाली में बहुत साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं तमाम मुखय्यर हजरात से कि वो सामने आएं और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आर्म्ड फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएं, जिस तरीके से भी आप लोग मदद करना चाहते हैं ताकि लोगों को हम बहाल कर सकें। आर्मी चीफ ने कहा कि रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, अब बहाली का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त मुमालिक से भी हमारी हुकूमत ने दरख्वास्त की है, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। आवाम की तरफ से अपने दोस्त मुमालिक से अपील करता हूँ कि वो मुश्किलात में घिरे इन सैलाब मुतासरीन की मदद करें। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दोस्त मुमालिक की जानिब से मजीद 4 तैयारे सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी ब्रदर मुल्क तुर्की के 3 तैयारे सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी अशिया लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने बरवक्त इमदाद पर तुर्की से इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर और सूबाई वजीर सईद खानी ने तुर्क हुकाम से इमदादी सामान वसूल किया। तुर्की से पहुँचने वाले सामान में खैमे, खाने पीने की अशिया, मच्छरदानियाँ और दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौके पर कौंसल जनरल तुर्की जमाल सांगू, PDMA के सलमान शाह, पाक फौज के आला हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने तुर्की से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले इमदाद तुर्की की जानिब से मौसूल हुई है। इदारे जल्द इमदादी सामान मुस्तहकीन में तकसीम करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी मुतहदा अरब अमारात से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 1 तैयारा इमदादी सामान लेकर पहुँचा, जिसे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने वसूल किया। वफाकी वजीर की जानिब से ब्रदर इस्लामी मुल्क UAE से इजहार तशक्कुर किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ऐसे फैसले करने हैं जिससे शहर डूबने से बचे। बदीन के नहर में शगाफ पड़ने के बाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मंचर झील के मुआयने के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक रोजा दौरे पर सहवन शरीफ पहुँचे, जहाँ उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मंचर को 123 फीट पर खतरा बढ़ जाएगा, उम्मीद है अगले 8 दिनों में मंचर में पानी की सतह कम होगी। वजीर आला सिंध का कहना था कि बदीन की नहर में शगा पड़ा, जहां से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। टेंट्स की कमी की शिकायत है, अब तक 1,05,000 टेंट्स तकसीम किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अपना यूरोप का दौरा भी मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब कुंडियारों के करीब दरियाए सिंध में तुफानी के बाइस जमींदारा बंद टूटने से सैलाबी पानी बखरी में दाखिल हो गया है। हालिया मानसून के दौरान मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिश नौशहरों फिरोज और कंडियारों में रिकॉर्ड हुई। कई दिनों की मुसलसल बारिश के बाइस नौशहरों फिरोज और कंडियारों में हजारों कच्चे मकानात
सैलाब में बह चुके हैं। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।